नमस्कार दोस्तों, तो आज हमने बहुत ही टेस्टी आलू और बैंगन की रसेदार सब्जी बनाई है जो खिचड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो आज वही हम खिचड़ी के साथ खाने वाली सब्जी बना रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अमूल्य है, तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हमने बैंगन को काट लिया है, कम से कम पाव किलो बैंगन है और ऐसे हमने काट लिया है जैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बैंगन को काट के तुरंत पानी में डालिए, ऐसे ही पानी के बिना बैंगन को काट के नहीं रखना, नहीं तो सब बैंगन हमारे काले हो जाएंगे। तो देखिए, काटते जा रहे हैं और पानी में डालते जा रहे हैं तो बैंगन हमारे बिल्कुल काले नहीं होंगे। अभी हम धीमी आँच पे एक कढ़ाई रखेंगे और 2 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। आँच हमें धीमी ही रखनी है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 हरी मिर्ची है जो हमने बारीक बारीक काट ली है वो डालेंगे और अच्छे से हिला लेंगे। तेल में अच्छे से हिलाने के बाद अभी हमने 2 बड़े टमाटर है जो बारीक बारीक काट लिए हैं वो डालेंगे और अच्छे से तेल में हिला लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारे बैंगन की सब्जी है जो स्पेशल खिचड़ी के साथ खाई जाती है, वही सब्जी हम बना रहे हैं। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के अच्छे से हिला लीजिए। और 1 मिनट तक हिलाने के बाद अभी हम 1 बड़ा आलू है जो बारीक बारीक काट लिया है वो डालेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है तभी हमने आलू डाला है। आलू डाल के अच्छे से हिला लीजिए और अभी हम डालेंगे बैंगन। तो दोस्तों, अगर आपको रसेदार सब्जी नहीं खानी है तो बैंगन डाल के अच्छे से हिला के ढक्कन लगा के ऊपर थोड़ा पानी डाल दीजिए, फिर धीमी आंच पे पकाइए। जब आलू पक जाएगा तो समझ लेना सब्जी बन गई है। अगर ये आपको रस्सा नहीं चाहिए तो ऐसे बनाइए। तो खिचड़ी के साथ खाने वाली हम सब्जी बनाने वाले हैं, इसके लिए 2 कप हम पानी डालेंगे, देख सकते हैं आप। तो हमने 1 कप पानी डाला तो रस्सा थोड़ा कम है, तो 2 कप हमने पानी डाला है। तो देखिए, ऐसा रसीला थोड़ा हिलना चाहिए, तो इतना रस्सा तो चाहिए क्योंकि ये जैसे पकेगा ना वैसा रस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। तो धीमी आंच पे हमने 15 मिनट तक इसको पकाया है, तो देख सकते हैं रस्सा कम हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। तो ये सब्जी है ना खिचड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो हमने आलू को निकाल के देख लिया है, तो आलू बिल्कुल पक चुका है, तो हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम डालेंगे धनिया, धनिया डाल के हिला लेंगे, फिर आप इसको मस्त मूंग की खिचड़ी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। गुजराती लोग बहुत टेस्ट से खाते हैं मूंग की खिचड़ी और आलू बैंगन की सब्जी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देता है, फ्री में होता है, जरूर कर दीजिए।